स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की आपकी कक्षा में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने आपके यूनिट 1 के चैप्टर में प्रजनन वाले चैप्टर का अध्ययन किया है, उसके अंतर्गत हमने कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन का अध्ययन किया। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पौधों में जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया है उसको अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक मानव प्रजनन पर अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मानव कैसा है, एक सजीव प्रजक प्राणी है, अर्थात जीवों को जन्म देता है। दूसरा, ये वीवीपेरस अर्थात जरायुज प्राणी है, अर्थात इसमें क्या रहता है, ये प्लेसेंटा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेसेंटा, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जरायुज प्राणी कहलाया। तो हो गया सजीव प्रजक और दूसरा ये वीवीपेरस अर्थात वीवीपेरस यानी जरायुज प्राणी कहलाता है। अब हम अगर बात करें तो मनुष्य के जीवन चक्र में सबसे पहले मनुष्य जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में किशोरावस्था तक उसका शरीर वृद्धि करता है, उसके आकार में, प्रकार में और शारीरिक वृद्धि और भार में वृद्धि होती है, और किशोरावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था में उसके अंदर द्वितीयक शारीरिक वृद्धि होने लगती है। अर्थात चूंकि मानव एकलिंगी है, डायोशियस है, अर्थात नर और मादा पृथक पृथक होते हैं और उनमें उनके अनुरूप प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है जो कि उसकी द्वितीयक शारीरिक वृद्धि कहलाती है। अब किशोरावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था में उसके प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, युग्मक बनने लगते हैं, वह जो है गर्भ धारण करती है मादा और बच्चे को जन्म देती है। तो ये प्रक्रिया जन्म देने की यानी कि युग्मक जनन से लेकर के एक न्यू बोर्न बेबी को जन्म देने तक की प्रक्रिया जो है वो प्रजनन के अंतर्गत आती है और उसके सारे स्टेप्स का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। इसके पश्चात मनुष्य जो है, मानव जो है, काल प्रभावन और जीर्णता, जैसे कि हमने जीवन अवधि वाले चैप्टर में पढ़ा था कि धीरे धीरे वो डिकेइंग स्टेज में जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो बच्चों, नर मानव में उसके नर जननांगों का विकास होने लगता है, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास होता है, और इसी प्रकार से जो मादा होती है उसके शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास पूर्णतया हो जाता है, अंड बनने की प्रक्रियाएं पूरी होने लगती हैं। आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 10th क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे एजुमित्रा ऐप में जाकर के नर एवं मादा जनन तंत्र को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद समझने जा रहे हैं प्रक्रिया युग्मक जनन, अर्थात युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया है उसे युग्मक जनन कहते हैं। क्योंकि युग्मक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक जो होगा वो मेल बॉडी अर्थात नर मानव के शरीर में होगा और मादा युग्मक का विकास मादा के शरीर में होता है। मेल गैमेटोजेनेसिस के पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करेंगे टेस्टिस या वृषण की। वृषण आपको पता है ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में लटके हुए पाए जाते हैं। और अब हम देखेंगे एलएस ऑफ टेस्टिस। तो एलएस ऑफ टेस्टिस का हम देखें अगर अध्ययन तो ये अर्धवृत्ताकार लेटरली कंप्रेस्ड यानी पार्श्व संपीड़ित और इनकी जो लंबाई होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर के लगभग। ये जो टेस्टिस होता है ये 2 आवरण से घिरा रहता है। पहले इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस और सेकंड वाले को कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। इनकी लेबलिंग जो है बेटा वो बुक्स में दी हुई है तो आप उसकी हिंदी लेबलिंग बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब हम देखते हैं ये पूरा टेस्टिस अनेक लॉब्यूल्स में बटा हुआ रहता है, ये लॉब्यूल्स में बटा हुआ रहता है और इन लॉब्यूल 2 लॉब्यूल के बीच में सेप्टा रहता है, ये सेप्टम कहलाता है, बहुत सारे मिलते हैं तो उसको सेप्टा कहते हैं। अब इन लॉब्यूल की स्टडी अगर हम करें, देखें थोड़ा सा एक पिक को, तो ये लॉब्यूल्स में 2 से 3 स्तर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पाया जाता है।
ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, यही स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करती हैं, अर्थात शुक्राणुओं का जनन का कार्य करती हैं। इनके बीच में इंटरस्टीशियल सेल्स पाई जाती हैं और सीरम पाया जाता है। यहाँ पर बीच में इनको लैडिंग सेल भी कहते हैं, लैडिंग कोशिकाएं कहते हैं, जो कि किसका स्त्रावण करती हैं, मेल हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इकट्ठे होकर के एक जाल बना लेती हैं, जिसको कहते हैं रेटिकेस्टिस, और ये जाल इकट्ठा होता है एपिडिडाइमिस में और बाद में ये शुक्रवाहिका में जाकर के खुलता है, अर्थात शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। वो बाद में जाकर के सारे स्पर्म कहाँ जाते हैं, शुक्रवाहिका की ओर जाते हैं। अब चलिए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है या शुक्राणु जनन कैसे होता है। उसके पहले हम समझेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है जिसमें टीएस ऑफ टेस्टिस ह्यूमन का दिखाया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो कट दिखाया हुआ है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का टीएस सेक्शन है। इसको अगर हम इन ब्रॉड देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरस्टीशियल सेल, जिन्हें लैडिंग सेल भी कहते हैं, वो पाई जाती हैं बाहरी, और ये एक एपिथेलियल सेल होती है। एपिथेलियल पूरा आदि, मतलब ये कवर हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोगोनियम सेल्स पाई जाती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। यही बाद में वृद्धि गुणन करने के बाद क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। बीच में ये जो कैविटी देख रहे हैं, इसको ल्यूमेन कहते हैं। ये सारी कैविटी इकट्ठे होकर के शुक्रवाहिका में खुलती हैं। तो ये है टीएस ऑफ टेस्टिस। ये डायग्राम बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये बनाने को आते हैं। अब हम गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत मेल गैमेटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण। सिंपल सी बात है, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है नर में होता है, और वो भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंतर्गत होता है। किसी भी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में तीन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली है गुणन प्रावस्था, अर्थात मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड है वृद्धि प्रावस्था, अर्थात ग्रोथ फेज। और थर्ड है परिपक्वन प्रावस्था, अर्थात मैचुरेशन फेज। अगर आप भूल जाएं तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। मल्टी में एम यू आ गया तो आपने लिख लिया मू, वृद्धि में ग्रो, जी आर में ग्रो आता है तो ग्रो लिख दिया आप, और इसके बाद फिर से परिपक्वता में मैचुरेशन का एम ए आर एम मा। तो आप ये अगर आप याद रखेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक, मू ग्रो मा, मू ग्रो मा से आप याद रख लेंगे कि जो भी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो इन तीन फेज से होकर के गुजरती है। अब हम यहाँ पर अगेन देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया पाए जा रहे हैं, और बीच बीच में सस्टेंटेकुलर सेल पाए जा रहे हैं, जिनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। बच्चों, ये सर्टोली कोशिका जो रहती है, सर्टोली सेल जो रहती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पर्म को, और डिवाइड होते हुए जो स्पर्मेटिड्स रहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम रहते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इनका। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो किस प्रकार डिवाइड हो रहे हैं, और बाद में लास्ट में स्पर्मेटिड से क्या बन रहे हैं, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इसको बहुत हम डिटेल में समझेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और कैसे होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, और यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो, जिसको क्या कहते हैं, प्रीमोडियल जर्म कोशा या स्पर्मेटोगोनियम। अब यहाँ अगर हम देखें तो प्रीमोडियल जर्म कोशा जो रहती है वो 2n यानी डिप्लॉइड होती है, और मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 46। तो ये डिप्लॉइड कंडीशन में है, और इसमें इस समय क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, अर्थात एक कोशिका फिर से दो कोशिका में बट जाएगी। और जब ये समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर
ये क्या करेगी, गुणन प्रावस्था रहेगी। कौन सी प्रावस्था कहलाई जाएगी, मल्टीप्लिकेशन स्टेज या गुणन प्रावस्था। अब इस समसूत्री विभाजन करने वाली जो कोशिका रहेगी वो बनाएगी स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करेगा, थोड़ा ग्रोथ लेगा, वृद्धि लेगा, अपनी सेल स्ट्रक्चर में वृद्धि करेगा, आवश्यक पोषक तत्व इकट्ठे करेगा, और उसके बाद अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, तो इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है और अब यहाँ से इसमें चालू होगा न्यूनकारी विभाजन, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे कि अगेन ये दो स्पर्मेटोसाइट बना लेगी, जिसको कहेंगे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, जिससे बनेंगे स्पर्मेटिड। यहां तक की जो अवस्था है ये कहलाती है परिपक्वता प्रावस्था, स्पर्म बनने तक की। अब स्पर्मेटिड बनने के बाद में इसमें विभेदन होगा और साथ में क्या होगा, कायांतरण होगा इस सेल्स के अंदर, मेटामॉर्फोसिस स्टेज आएगी, और विभेदन और कायांतरण के पश्चात इसमें मेल गैमेट या शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होगा। यहाँ दो चीज हमको ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहली चीज तो हमको ये ध्यान देना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात प्रीमोर्डियल सेल से लेकर के शुक्राणु तक का जो निर्माण है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला शब्द है, ये पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया आपका शुरू से लेकर के शुक्राणु के निर्माण तक, अर्थात प्रीमोर्डियल जर्म कोशा से लेकर के, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से लेकर के स्पर्म बनने तक की जो घटना है वो क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, उसको कहेंगे हम जब ये स्पर्मेटिड बन गया, और इसको मैं अलग कलर के पेन से समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। ये स्पर्मेटिड से लेकर के शुक्राणु बनने तक की जो घटना है इसको कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो दूसरा वर्ड आ गया स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या आ जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से लेकर के शुक्राणु बनने तक का जो फेज है वो कहला जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने मेल गैमेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु निर्माण को समझा। अब हम एक बार शुक्राणु के स्ट्रक्चर को और समझ लें। ये है मेल गैमेट स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। इसमें जो स्टेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, अर्थात आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कि इसका ऊपर वाला टॉप पोर्शन बनाता है सिर, या इसको हेड बोलते हैं। हेड में हम देख रहे हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो रहता है वो गॉल्गी बॉडी के द्वारा बनाया रहता है, जो कि निषेचन के समय अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जिसका नेक पोर्शन है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जबकि शुक्राणु तैरता है या मूवेबल होता है। इसके बाद नीचे का जो पोर्शन है वो टेल या पुच्छ पोर्शन कहलाता है, ये भी शुक्राणु को मोटिलिटी देने में कार्य करता है। शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो 70 से 75 दिनों में होती है, और दोनों टेस्टिस से 120 मिलियन के लगभग स्पर्म बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था मेल गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस अर्थात अंड निर्माण की प्रक्रिया को। आप इसे बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, और इसको बहुत अच्छे से याद करें। थैंक यू बच्चों।